मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है। इस बार प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज तीन हिस्सों में लिया गया। बता दें वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश सरकार 27500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। RBI के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल तीन हिस्सों में लिया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है। इस बार प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज तीन हिस्सों में लिया गया। बता दें वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश सरकार 27500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। RBI के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल तीन हिस्सों में लिया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है। इस बार प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज तीन हिस्सों में लिया गया। बता दें वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश सरकार 27500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। RBI के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल तीन हिस्सों में लिया गया।